पिछले दिनों देहरादून के सूचना आयोग में पेशी के लिए आए पिथौरागढ़ के एक दंपत्ति के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब इस दंपत्ति पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें समझौता करने की एवज में 50,000 रुपए देने की बात कही और ऐसा ना करने पर देहरादून में नहीं घुसने देने की धमकी दी है। पीड़ित दंपत्ति के मुताबिक उन्हें फोन पर लगातार धमकियां मिल रही है। बीस तारीख को जब हम वापस आ गए थे, रेलवे स्टेशन में पहुंचे, रेलवे स्टेशन के बाहर ही हम गेट के बाहर ही पहुंचे थे। वहां पर पता नहीं तीन लोग कहां से आए, उन्होंने हमको देखा, हमसे कहने लगे कि क्या कहते हैं, अगर तुम या तो तुम अपना केस वापस लो और या तुम वापस में वो कर लो करके, नहीं तो तुम दोबारा अगर यहां आओगे तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। फोन भी आ रहे थे उनका, अब हम क्या करें सर। वहाँ सूचना के अधिकार के ऑफिस में गए थे हम, तो वहाँ चार आदमियों ने हमें ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया और वहाँ रहने को कहा सर। उसके बाद जब उनकी बात नहीं मानी हमने, तो इसके साथ मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद सर रात को हमने 11:45 के टाइम पे प्रकाश पंजी को फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस बुलवाई, पुलिस भेजी और उसके बाद उन चारों के चारों को बंद करवाया रात को। दूसरे दिन छूटते ही सर उन्होंने पता नहीं तीन आदमी भेजे थे रेलवे स्टेशन में, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी और मेरे से बोला कि या तो तू इधर आना मत और अपना केस वापस ले लेना, अगर यहाँ आए तो जान से मार देंगे। और फ़ोन भी आ रहे हैं उसके बाद, अभी गवाही देने भी जाना होगा सर। ना हमारे पास कोई सपोर्ट है, ना किसी का प्रोटेक्शन है, बहुत परेशानी में है सर।